प्यारे छात्रों, आप सभी को कुमार क्लासेज वाराणसी की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। छात्रों, आज हम UPSC TG2 एग्जाम 2020 के कंप्यूटर में 50 नंबर जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें 20 नंबर कैसे आसानी से प्राप्त करें उस पर चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे छात्र चिंतित हैं, मैसेज कर रहे थे, सर कंप्यूटर कैसे पढ़ें, किससे पढ़ें। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सारे कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए और कंप्यूटर पर जो सिलेबस मैं बता रहा हूँ उसको पढ़ना है। यही आपका वास्तव में TG2 की सिलेबस है और अगर आप इसको कवर करते हैं तो आप निश्चित रूप से 20 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सा चैप्टर को ज़्यादा ध्यान देना है, सभी बातों पर डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत इससे आसानी हो जाएगी कंप्यूटर में 20 नंबर प्राप्त करना। स्टूडेंट, सबसे दिक्कत यह होती है कि बच्चों को अपना सिलेबस नहीं मालूम होता है, मुझे पढ़ना क्या है और कौन सी बुक सिलेक्ट करें और इसमें कौन से चैप्टर को विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि 20 नंबर एक क्वालिफाइंग मार्क्स है और इसका मार्क्स आप जानते हैं कि नहीं जुड़ेगा, लेकिन 20 नंबर भी नहीं आ पा रहा है बच्चों को, इसलिए काफ़ी वो चिंतित हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आप सिलेबस को जानिए, इसके बाद डिस्कस करेंगे किस चैप्टर को आपको विशेष ध्यान देना है। चलिए देखिए, ये सिलेबस है Part 1 सिलेबस। अब जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम UPSC TG2 में दो पार्ट है, Part 1 और Part 2। तो Part 1 में कंप्यूटर है जो 50 नंबर में 20 नंबर आपको लाना है। देखिए, सिलेबस है बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का जन्म कब हुआ, किसने बनाया, जो भी किस कंपनी ने पहले लॉन्च किया, क्या क्या हुआ, तो जो भी पार्ट्स के बारे में है उसकी जानकारी है। इसके बाद इनपुट और आउटपुट डिवाइस, कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है, हार्डवेयर, कौन कौन इसके हार्डवेयर हैं, कौन कौन सॉफ्टवेयर हैं, शॉर्टकट की, ठीक है, बेसिक नॉलेज, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इंटरनेट, लाइन वैन, मॉडर्न कंप्यूटर के संक्षिप्तकरण एब्रिविएशन और मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी, यही आपका सिलेबस है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इन चैप्टर को पहले आपको पढ़ना है। और अब भी डिस्कस करते हैं कि अभी तक जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें कैसे आप 10 नंबर आसानी से 20 नंबर ला सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप शॉर्टकट की याद कर लीजिएगा, यहाँ आपके सिलेबस में भी है और प्रत्येक शिफ्ट में शॉर्टकट की से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, शॉर्टकट की से 3 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी तरह एब्रिविएशन याद कर लीजिएगा, एब्रिविएशन से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से हो जाते हैं, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइस से भी एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और इसके साथ साथ ये तीन जो चैप्टर है, कौन कौन, MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट और इंटरनेट, इसको आप बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे और इससे 25 से 30 क्वेश्चन इन्हीं 4 चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो आप आसानी से इस तरह कंप्यूटर में 20 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो बुक प्रेफर करिए आप, परीक्षा मंथन की एक बुक आती है, बहुत अच्छे ढंग से उसमें समझाया गया है, तो आप उसको पहले पढ़िए, इसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव बनाइए। और मेरे चैनल द्वारा भी कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, मेरे चैनल पर जाएंगे कुमार क्लासेस BNS पर, आपको अभी तक 17 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और उसका PDF जिसको चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देगा, PDF मिल जाएगा आपको, 7752800510। तो सबसे पहले आप परीक्षा मंथन बुक से इसको पढ़िए, इस चैप्टर्स को, और इस चैप्टर का क्वेश्चन बनाइए और इसके साथ साथ मेरा भी प्रैक्टिस बना लीजिए, उसमें भी मोहिनी ने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है। तो इस तरह आप अगर 15 से 20 दिन मेहनत कर देते हैं अच्छी ढंग से, तो आपकी कंप्यूटर में 20 नंबर बिल्कुल अवश्य आ जाएगी, आप कंप्यूटर अवश्य क्वालिफाई होंगे, आप यकीन मानिए और इसको करके देखिए। एक हफ्ते में भी आपको बहुत अंतर समझ में आएगा। इसके बाद जब परीक्षा की डेट घोषित हो जाएगी तो मैं कंप्यूटर का 15 से 20 फुल लेंथ 50 नंबर क्वेश्चन को
ये सीरीज में चलाऊंगा, वो भी आपको काफ़ी सहायक होगी। उम्मीद करते हैं आप पूरी तरह समझ गए होंगे। कंप्यूटर में 20 नंबर लाना है तो इन चैप्टर को पहले पढ़ना है, परीक्षा मंथ बुक को कवर करिए और मेरा प्रैक्टिस सेट जो है अभी तक उसको पढ़ लीजिए। आप या तो वीडियो से भी बना लीजिए या PDF चाहिए तो हमें मैसेज करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में कैसे 140 नंबर प्राप्त करेंगे और नॉन टेक मिलाकर, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।